Good morning, students. How are you all? So today we will start with our remaining practicals of our paper, that is the genetics and evolutionary biology. Before this, we have completed our genetics practicals and also started the evolutionary biology practicals with the homologous and the analogous organ. So I hope you all have done these practicals. So coming to the remaining practicals. So the first practical, the next practical of the genetics and evolutionary biology is your study of the fossils from the plaster cast models and the pictures. So in this practical we will study that how the cast and mold, they are formed with the help of the plaster of Paris and clay. So I will send you a video regarding this, in which very easily you will understand that how we can make a mold and cast. We have studied these mold and cast in our theory, that how actually these mold and cast are formed. But through video you will learn the concept that how they are formed in the natural form. ठीक है, तो हम थोड़ा सा वीडियो में देखेंगे. तो ये जैसे हमारा मोल्ड है, मोल्ड इज वॉट, इट इज अ डिप्रेशन. एक डिप्रेशन सा है जिसमें किसी भी एनिमल का जो है वो हमें पूरा का पूरा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है. और कास्ट क्या है, कास्ट देख रहे हैं आप, कास्ट जब इस मोल्ड के अंदर कोई चीज फिलअप हो जाएगी, जैसे मिनरल्स हैं हमारे या कोई और चीज है, जब उसके फिलअप होने से उस एनिमल का पूरा इम्प्रेशन हमें ऊपर की ओर उभरा हुआ नजर आएगा. सो दैट इज द मोल्ड. सिमिलरली यहाँ पे आपको कास्ट और मोल्ड बना के दिखाया गया ट्राइलोबाइट का. तो आपको वीडियो सेंड करूंगी, उसमें आपने देखना है ध्यान से कैसे एक शेल का जो है वो कास्ट और मोल्ड जो है वो बनता है. सो द नेक्स्ट प्रैक्टिकल इज द पिक्चर्स ऑफ द फॉसिल्स. सो स्टूडेंट्स, यू कैन ड्रॉ दिस और यू कैन ऑल्सो get their copies from the internet. Option is up to you. अगर आप खुद easily बना सकते हैं तो आप ये खुद बना लेंगे, नहीं तो आप net से copy भी जो है इसकी ले सकते हैं. So this is the fossil of the Archaeopteryx. You all know it is a fossil showing the characteristics of both the birds as well as that of the reptile. ठीक है, तो अगर हम इसमें reptiles के characters की बात करें तो it have a tail. ये दिख रहे हैं, काफी लंबी tail है हमारी, और टेल भी जो है वट्टी पे भी हमारे प्रेजेंट है. इट हैव द टीथ इन इट्स बीक. ठीक है, तो ये कुछ एक करेक्टर्स है. ऐसे बहुत सारे करेक्टर्स जो है इसके, जो रेप्टिलियन है, ऐसे ही कुछ करेक्टर्स में एवियन भी है, क्योंकि इसमें फेदर्स हैं, इसमें बीक प्रेजेंट है. सो इट हैव सम ऑफ द एवियन करेक्टर्स. तो बेटा ये कुछ एक करेक्टर्स आपने इसको ड्रॉ कर लेना है, या आपने इंटरनेट से इसकी जो है फोटो लेके डाउनलोड करके पेस्ट करनी है अपनी कॉपी में, जो आपको कन्वीनियंट लगता है वो ऑप्शन चुन सकते हैं. और आपने कुछ इसके करेक्टर्स जो है वो लिखने हैं, क्योंकि जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो हमने इसकी कटिंग जो है वो आपको देंगे, रखेंगे स्पॉटिंग के लिए, या इसकी कटिंग, या कोई भी जो फॉसिल्स यहाँ पे बुक में दिए हैं आपकी, तो कोई भी फॉसिल जो है वो आपको रख सकते हैं. जैसे फॉसिल पर्च है, हम इसकी फोटो जो है वो कट करके रख देंगे आपके प्रैक्टिकल के लिए. तो आपको इसके ऊपर कमेंट्स जो है वो लिखने होंगे. तो कमेंट्स जो है वो आप नेट से खुद पॉइंट्स जो है 5 to 6 पॉइंट्स जो है हर एक Archaeopteryx के आपने ज्यादा लिखने हैं, एटलीस्ट 10 पॉइंट्स लिखने, बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल. बाकियों के आपने 5 to 8 पॉइंट्स जो है वो मेंशन करने हैं. ठीक है, जैसे ये आपका दिखाया डायनासोर से, किस तरह से जो है आपके वेरियस टाइप्स ऑफ फॉसिल्स जो है हमें डायनासोर के देखने को मिले हैं. नाउ द नेक्स्ट जो टिक लगाऊंगी बेटा वही हमने करना है. जैसे ये हमारा डायगोनल ट्राई वाला है, ये हमने नहीं करना है. नेक्स्ट इज द ट्राइलोबाइट. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल. इसके भी आपने जो है, इट इज इट बिलोंग टू द सिलूरियन पीरियड. इसके भी अपने पॉइंट्स जो है वो अपने बुक से, अपने इंटरनेट से जो है वो कुछ एक पॉइंट्स इसके लिखने. नेक्स्ट अगेन ये आपका Archaeopteryx का ही डायग्राम दिया हुआ है. तो Archaeopteryx का ये वाला डायग्राम नहीं बनाना है हमने, ये वाला डायग्राम नहीं बनाना है हमने, हमने यही वाला डायग्राम बनाना है अगर हम बना सकते हैं. अदरवाइज यू कैन हैव द कॉपी फ्रॉम द इंटरनेट. ऑन द नेक्स्ट पेज इज गिवन योर डिफरेंट other animals fossils also, such as the Tyrannosaurus. It's an extinct carnivorous dinosaur which was very long and dangerous also. So iske bhi aapne points likhenge. Next is Brontosaurus. Ye herbivorous tha aapka, swamp dwelling animal hai, bahut bada. Mammoth you all know, mammoth ke bare mein to humne apni theory class mein bhi padha hai. So we have a preserved mammoth from the Siberia. उसके बाद सेमोरिया. सेमोरिया इज अ लिजर्ड लाइक बर्ड, स्लगिश जो है. ये स्टेम रेप्टाइल है, जो एम्फीबियंस जैसे करेक्टर हमें इसमें लगते हैं, क्योंकि पार्टली एक्वाटिक है तो एम्फीबियन लाइक करेक्टर्स इसमें है, बट इसमें बहुत सारे जो है वो
आपके रेप्टिलियन कैरेक्टर भी हैं. सो इट इज दिस सेम रेप्टाइल, सेम ओरिया. तो सेम ओरिया आप जब आप टाइप करेंगे अपने मोबाइल पे, तो आपको इसके ऑटोमेटिकली सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इसमें, ये कैसे फीचर्स थे, इसमें कौन से एम्फीबियन कैरेक्टर्स हैं, ये रेप्टिलियन कैरेक्टर, वो एज इट इज आपको मिल जाएंगे. तो वो आपने नोट कर लेने. द नेक्स्ट आर द डायग्राम्स ऑफ सम रॉक्स आर गिवन हियर विच आर नॉट वेरी क्लियर. सो आपने ये ड्रॉ नहीं करनी. जैसे ये आपके सिनोजोइक एरा की कोई रॉक दी है, इसमें फिश का फॉसिल है, तो हमें क्लियर नहीं हो रहा है, तो इसको रहने देना आपने. ऐसे ही आपका ये ट्रासिक रॉक दी हुई है, इसमें कुछ आपके एमनियोट्स दिखाए गए, वो हमें क्लियर नहीं हो रहे, तो इसको भी आपने जो है वो रहने देना है. सो यू विल नॉट ड्रॉ दिस, यू विल ड्रॉ ओनली दोज डायग्राम विच आर वेरी मच क्लियर टू यू. इसको भी आपने नहीं बनाना है. अवर नेक्स्ट प्रैक्टिकल इज द एवोल्यूशन ऑफ द हॉर्स. एवोल्यूशन ऑफ द हॉर्स बच्चों, ये आपके थ्योरी में भी जो है वो हमें मिलेगा. दैट इज वी हैव टू प्रिपेयर अ चार्ट showing the phylogeny of horse with the diagrams or the cutouts of the limbs and the teeth of the ancestor. तो ये जो हमारा चार्ट है और हमने ये जो हमारा डायग्राम है, ये बहुत अच्छे से हमने अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक में बनाना है. ठीक है, तो प्रैक्टिकल नोटबुक में इसको अच्छे से बनाएंगे, बिकॉज दिस इज ऑल्सो इन योर सिलेबस. तो ये डायग्राम भी आपने एज इट इज आपको लर्न होना चाहिए, क्योंकि कई बार इसके ऊपर एज इट इज क्वेश्चन जो है आपकी थ्योरी में भी आ जाता है, और जब हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करवाएंगे आपसे, तो उसमें भी कई बार हम नोट दे देते हैं लिखने के लिए, या हम हॉर्स एवोल्यूशन के ऊपर नोट दे देंगे लिखने के लिए, या हम नोट दे सकते हैं लिखने के लिए आपका जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल है, दैट इज योर डार्विन फिंचेस. सॉरी, तो डार्विन फिंचेस के ऊपर भी कई बार जो है वो नोट या कुछ भी आपको जो है वो लिखने को दिया जा सकता है. सो यू शुड हैव द प्रॉपर नॉलेज ऑफ दिस. नाउ कमिंग टू द हॉर्स एवोल्यूशन. हॉर्स एवोल्यूशन की बेटा अगर हम बात करें, सो द हॉर्स जो है ये जो हमारा एनिमल है, इसका एवोल्यूशन जो है वो हमने अमेरिका में देखा है, और अमेरिकन जो एक पेंटोलॉजिस्ट है हमारे चार्ल्स मार्श, उन्होंने डिस्कवर किया था, जिन्होंने बहुत सारे डायनासोर्स के फॉसिल्स को डिस्कवर किया, उन्होंने ही हॉर्स के फॉसिल्स को भी जो था वो डिस्कवर किया था. ठीक है, और अगर हम देखें कि चार्ट से जो है जब हम लर्न करेंगे बेटा, तो पहले हमने चार्ट करना है. यहाँ पे आपको चार्ट में दिखाया कि कौन कौन से स्टेजेस हैं हॉर्सेस की. ठीक है, सबसे पहले हमारा सबसे जो सबसे पहले वाला द अर्लिएस्ट हॉर्स, उसका नाम है इयोहिप्पस, द कॉमन नेम इज डॉन हॉर्स. उसके बाद हमारा हॉर्स जो आया 4 करोड़ ईयर्स के बाद, 6 करोड़ ईयर्स से पहले था, और ये 4 करोड़ ईयर्स के बाद जो आपका इंटरमीडिएट हॉर्स आया उसका नाम मेसोहिप्पस है. उसके बाद आपका मैरीहिप्पस है, दैट हैज इवॉल्व अबाउट 3 करोड़ ईयर्स एगो. देन इज योर प्लियोहिप्पस एंड देन इज योर एक्वस. द एक्वस इज योर मॉडर्न हॉर्स विच हैव इवॉल्व अप्रोक्सीमेटली 5 लाख ईयर्स अगो इन द प्लेस्टोसीन पीरियड. नाउ कमिंग टू डायग्राम, हम इसको डायग्राम से समझेंगे कि कैसे कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है तो हमें इसमें देखने को मिलेंगे. सो दिस इज द डायग्राम एंड दिस इज द शोइंग द डिफरेंट हॉर्सेस इन इट्स एवोल्यूशनरी फॉर्म. ये सबसे पहले वाला और ये हमारा आज का हमारा मॉडर्न हॉर्स है, दैट इज द इक्वस. नाउ कमिंग टू द इयोहिप्पस. इयोहिप्पस जो है वो फॉक्स साइज का है. ठीक है, इसको डॉन हॉर्स भी बोलते हैं. साइज अगर देखें तो साइज इज ओनली 28 सेंटीमीटर है ना. इसका हेड जो है वो नीचे की ओर है, शॉर्ट हेड है, नेक भी शॉर्ट है. और अगर आप इसके लिम्स की ओर देखें, सो द लिम्स जो है उसके फुट में जो है आपकी 4 फंक्शनल टोज हैं, और आपके एंड द फर्स्ट एज द स्प्लिंट बोन, ये जो है आपकी स्प्लिंट बोन्स हैं, बाकी जो है इसके 4 फंक्शनल टोज हैं, 2, 3, 4. ठीक है, और ये फिफ्थ जो पीछे की ओर दिखने रही है स्प्लिंट बोन्स हैं हमारी. तो इस तरह से अगर हम इसके टीथ देखें, स्कल देखें, स्कल का साइज भी जो कितना छोटा है, और टीथ देखें तो टीथ जो थे वो सिर्फ थोड़ा सा ग्राइंडिंग करने के लिए ही जो थे वो अडॉप्टेड थे. ठीक है, सो दिस इज द डायग्राम ऑफ द टीथ. द नेक्स्ट हॉर्स इज योर मेसोहिप्पस. द मेसोहिप्पस इट वॉज इवॉल्व इन ओलिगोसीन अप्रोक्सीमेटली 400 करोड़ ईयर्स अगो. एंड अगर हम इसके साइज की बात करें, द साइज इज 60 सेंटीमीटर. ठीक है, तो इसमें भी जो हम देख रहे हैं थोड़े से जो बाद में जो है वो चेंजेस आए हैं कुछ, जो कि हमें इयोहिप्पस में देखने को नहीं मिले थे. तो चेंजेस की अगर बात करें तो इसमें हम देखते हैं, इसके फुट देखें हम, तो हमारा जो थर्ड टो है वो काफी लंबा हो गया है. ईच ऑफ द थर्ड टोज दैट एट गेट लॉन्गर, वो काफी लंबा हो गया, और बाकी जो आपके फोर्थ और जो सेकेंड है वो थोड़े से पीछे ही रह गए. ठीक है, तो ये आ गया आपके फॉर द दैट इज योर
मेसोहिपस। और अगर इसके टीथ की बात करें तो इसके टीथ भी कैसे हैं, दीज आर शॉर्ट क्राउन, द टीथ आर द शॉर्ट क्राउन, बहुत ज्यादा क्राउन इसमें नहीं है और ग्राइंडिंग के लिए उतने ज्यादा जो है ये मॉडिफाई नहीं है। नाउ द नेक्स्ट हॉर्स इज योर मेरीहिप्पस। सो मेरीहिप्पस, दिस इज द डायग्राम ऑफ द मेरीहिप्पस। ठीक है, तो मेरीहिप्पस की इवोल्यूशन की बात करें तो मेरीहिप्पस जो है वो कब इवॉल्व हुआ है हमारा, इट हैव बीन इवॉल्व अप्रोक्सीमेटली 3 crore years ago इन द मियोसीन। मियोसीन में इसका एवोल्यूशन हुआ। इसका साइज देख रहे हैं आप, इसका साइज जो है, अब देखिए साइज में जो है बहुत सारा डिफरेंस आ गया, 60 के बाद जो है वो 100 सेंटीमीटर तक जो है हमें इसका साइज जो है वो देखने को मिल गया है। नाउ इन केस ऑफ योर मेरीहिप्पस, जिसको हम मेरीहिप्पस को हम रूमिनेटिंग हॉर्स भी कहते हैं, क्योंकि इसके जो टीथ है वो काफी ज्यादा जो है मॉडिफाई हो चुके हैं, उसमें बेशक क्राउन छोटा छोटा ही है लेकिन फिर भी उसमें जो ग्राइंडिंग के लिए जो है आपके और ग्रेजिंग के लिए टीथ जो है वो काफी हद तक मॉडिफाई हो गए। ठीक है, तो ये जो है हमने देखना है चेंजेस, ये डायग्राम हमने अच्छे से लर्न करने की किसमें क्या क्या चेंजेस है। यहाँ पे फिर देख रहे हैं आपकी थर्ड हमारी टो जो है वो कितनी लंबी होगी और सेकंड और फोर्थ जो टो है दैट हैव बीन रिड्यूस्ड, वो जो है वो धीरे धीरे जो उसका साइज है वो कम होते जा रहा है। तो इसका चाहे टो का साइज जो है, ये थर्ड टो काफी बड़ा हो गया, बाकी जो है वो रिड्यूस हो रहे हैं धीरे धीरे, बट इट कैन नॉट रन एज फास्ट एज दी नेक्स्ट कमिंग हॉर्स। इसकी जो रनिंग कैपेसिटी है वो इतनी ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो मोलर्स जो है वो भी हम देख लेते, तो मोलर्स जो है वो भी इसके काफी ग्राइंडिंग के लिए जो है थोड़े से मॉडिफाई हो गए। नाउ द नेक्स्ट हॉर्स इज द प्लियोहिप्पस। नाउ दिस प्लियोहिप्पस हैव द मोस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच आर प्रेजेंट इन केस ऑफ द अवर एकोस। एकोस इज द मॉडर्न हॉर्स। तो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स प्लियोसिन में, जो प्लियोहिप्पस है विच वॉज इवॉल्व इन योर प्लियोसिन, इसमें जो है वो काफी करेक्टर्स है हमारे मॉडर्न हॉर्स जैसे। जैसे यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे टोज जो थे आपके मेरीहिप्पस में, वो जो फोर्थ और सेकंड टो थे वो इतने ज्यादा जो थे वो रिड्यूस नहीं थे, लेकिन हमारा ये जो नेक्स्ट हॉर्स है दैट इज दी अवर प्लियोहिप्पस विच वॉज इवॉल्व इन द प्लियोसिन, इट हैव बीन इवॉल्व अप्रोक्सीमेटली 2 crore years ago। ठीक है, और ये मॉडर्न हॉर्स के जैसे ही, सिर्फ इसमें साइज में जो है फर्क है। इसके हम थर्ड फंक्शनल टो की बात करें तो थर्ड टो इज फंक्शनल एंड द सेकेंड एंड द फोर्थ नाउ बिकम स्प्लिंट बोन्स। यहां पे तो हमें टोज फिर भी टोज के फॉर्म में नजर आ रहे, लेकिन अब यहां पे वो टोज के फॉर्म में नजर नहीं आएंगे एंड दे हैव बीन कन्वर्टेड इन टू द स्प्लिंट बोन्स। राइट, साइज ऑफ द स्कल दैट हैव ऑल्सो इंक्रीज्ड एंड द टीथ हैव बीन बिकम मोर क्राउंड, और ज्यादा क्राउन जो है उसके ऊपर आ गए हैं, ताकि ये ग्राइंडिंग के लिए और ग्रेजिंग के लिए जो है वो ज्यादा बेटर तरीके से काम कर सके। ठीक है, तो इसमें जो ज्यादा फर्क नहीं है इसके और आपके जो मॉडर्न हॉर्स है दैट इज योर एक्वस। नाउ कमिंग टू द एक्वस मॉडर्न हॉर्स विच हैव इवॉल्व अप्रोक्सीमेटली 5 lakh years ago। अभी से जो 5 lakh years पहले ही जो है आपका मॉडर्न हॉर्स जो है इसका एवोल्यूशन हुआ है, और इसकी हम हाइट की बात करें तो 150 सेंटीमीटर के आसपास इसकी हाइट है, और इसके जो लिम्स हैं उनमें वही करेक्टर है कि साइज बड़ा होने के कारण जो थर्ड टो है वो और लंबा हो गया है एंड द सेकेंड एंड द फोर्थ टो दैट हैव बीन रिड्यूस्ड टू फॉर्म द स्प्लिंट बोन्स। द साइज ऑफ द स्कल हैव ऑल्सो इंक्रीज्ड एंड द मोलर्स दे बिकम वेरी लॉन्ग क्राउन, उसमें क्राउन जो है वो बहुत ज्यादा आ चुके हैं, ताकि ये ग्रेजिंग जो है और ग्राइंडिंग के लिए अच्छे से काम कर सके। ठीक है, तो और साथ ही में इसकी नेक का साइज देख रहे हैं, द साइज ऑफ द नेक दैट हैव ऑल्सो इंक्रीज्ड, है ना, तो साइज जो है वो इंक्रीज हो गया है और बाकी सारी चीजें भी इसके साथ जो है वो हमारी मॉडिफाई हो गई। सो लुक हाउ द हॉर्स हैव बीन इवॉल्व फ्रॉम द इयोहिप्पस, अ स्मॉल फॉक्स लाइक इयोहिप्पस टू अ मॉडर्न हॉर्स विच इज अप्रोक्सीमेटली 150 सेंटीमीटर टू इट्स शोल्डर लेंथ। सो बेटा अगर हम बात करें, जैसे हमारा जो इयोहिप्पस है वो इयोसीन में इवॉल्व हुआ था तो इसका नाम आ गया इयोहिप्पस। उसके बाद ऑलिगोसीन में जो हमारा इवॉल्व हुआ उसका नाम है मीजोहिप्पस। ऐसे ही मियोसीन में जो आया हॉर्स रिमिनेटिंग हॉर्स, जिसमें कि थोड़े से ग्रेजिंग के लिए उसके टीथ मॉडिफाई हो गए थे, इसलिए इसका नाम हमने रिमिनेटिंग हॉर्स बोला है। सो इसे हम मेरीहिप्पस भी कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट हॉर्स सो इवॉल्व हैव बीन इवॉल्व इन प्लियोसीन, सो वी हैव नेम्ड इट एज द प्लियोहिप्पस। एंड द लास्ट वन दैट इज द एक्वस दैट हैव बीन इवॉल्व इन प्लेस्टोसीन विच इज अप्रोक्सीमेटली 5
lakh years ago. So we have named it as the Equus. So these are the some of the characteristics in which we have seen that how the brain have been evolved, how the limbs have been evolved, how the digits have been reduced. And there is enlargement of your third digit in case of our modern horse. And there is also change in the structure of the teeth. There, the teeth have been changed or they have become more complex for grinding and the grazing of the grass. Now the next experiment is about the Darwin finches. Beta. तो ये Darwin finches जो हैं ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ Darwin finches जो Galapagos Islands में हमें देखने को मिला था. This Galapagos Island is present in the Pacific Ocean on the west coast of the South America. ठीक है, अगर हम एक बात कर लें, ये main island जो है हमारा South America से, तो यहाँ पर जो है वो बहुत सारे a chain of 14 islands जो है वो इस तरह से Pacific Ocean में हमें जो है वो देखने को मिलेगी. और ये main land से ही जो है ये जो हमारे islands हैं ये बने हैं. So डार्विन ने अपने वॉयज के दौरान ये नोट किया कि जो एनिमल्स यहाँ पे प्रेजेंट थे, स्पेशली उन्होंने गौर किया फिंच, ये जो हमारे स्मॉल पैसरीन बर्ड्स हैं, पैसरीफॉर्मिस ऑर्डर जिसमें कि आपकी हाउस स्पैरो आते हैं, उसी ऑर्डर में ये एक बर्ड आता है हमारा, जिसे हमने डार्विन फिंचेस जो है वो बाद में जो है वो नेम दिया था. तो ये जो पैसरीन बर्ड्स हैं, फिंचेस जो नॉर्मली इनको फिंचेस कहते हैं, तो इनके चेंजेस देखे उनमें कि कैसे कैसे ये चेंज हुए हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन. कि जो मेन आइलैंड पे, जो मेन आइलैंड था हमारा, मेन आइलैंड पे जो बर्ड्स हैं ये वाले, वो कुछ अलग तरह से हैं, उनकी फीडिंग हैबिट्स अलग तरह की हैं. और जो बर्ड्स इन डिफरेंट 14 जो आपके आइलैंड हैं उनमें जो बर्ड्स हैं वो धीरे धीरे जो है उन्होंने अपने आप को इवॉल्व किया है, अपने आप को चेंज किया है अकॉर्डिंग टू द हैबिटेट, अकॉर्डिंग टू द फीडिंग और जो भी चीजें वहां पे अवेलेबल थी उसी के अकॉर्डिंग खुद को चेंज किया. तो इसी जो हमारे बर्ड्स हैं इनको हम डार्विन फिंचेस बोलते हैं. डार्विन फिंचेस जो है ये एक्चुअली जो टर्म थी ये डेविड लैक ने दी थी बाद में. सो क्या कहा डार्विन ने कि जो हमारी एक लार्ज ग्राउंड फिंच है वही हमारी स्टेम बर्ड है. कि एक्चुअल में जो बर्ड हमें मेन आइलैंड ऑफ साउथ अमेरिका में देखने को मिला था, उस बर्ड कि अगर हम बीक की बात करें तो बीक जो थी वो बहुत ब्रॉड थी बिकॉज इट वॉज अ सीड ईटिंग एनिमल. सो बिकॉज द सीड आर वेरी हार्ड, सो टू क्रश आउट द सीड्स द बीक दैट नीड्स टू बी वेरी हार्ड. सो इस तरह से उसकी बीक बहुत हार्ड थी. अब धीरे धीरे जैसे जैसे बर्ड्स जो है वो माइग्रेट हुए या धीरे धीरे ज्योग्राफिकल आइसोलेशन हुई या किसी भी रीजन की वजह से जब यहां पे पहुंचे हैं अलग अलग आइलैंड्स पे, तो यहां पे जो जो फूड अवेलेबल था उसके अकॉर्डिंगली उनकी बीक में जो है चेंजेस देखने को मिले और साथ ही में साइज ऑफ द बर्ड भी जो है अकॉर्डिंगली चेंज हुआ और थोड़ा सा कलर भी जो है वो अलग, थोड़ा सा पैटर्न जो है थोड़ा सा देखने को अलग मिला. नाउ फॉर एग्जाम्पल अ कैक्टस ग्राउंड फिंच वॉज फाउंड इन सम ऑफ द आइलैंड. तो वहां पे जो जिस आइलैंड पे कैक्टस ग्राउंड फिंच मिली वो भी इसी से इवॉल्व हुई है, लेकिन उसकी बीक जो है वो थोड़ी अलग होगी बिकॉज इट स्टार्ट फीडिंग ऑन द कैक्टस. क्योंकि उस आइलैंड पे सीड्स अवेलेबल नहीं होंगे, कैक्टस ही अवेलेबल होगा. तो जब इस बर्ड ने कैक्टस को फीड करना स्टार्ट कर दिया तो उसकी बीक भी जो है वो चेंज हो गई, उतनी ब्रॉड नहीं है, थोड़ी सी लॉन्ग बन गई है. स्ट्रांग तो है नो डाउट बिकॉज इट हैव टू पोक इन टू द कैक्टस टू हैव द पल्प ऑफ द कैक्टस प्लांट. Similarly, some birds they become insectivorous and they started living on the trees. जैसे जो हमारे stem bird था it used to live on the land. जबकि जो आपके कुछ birds थे वो tree पे पहुंच गए, जब land पे हमें food की availability ज्यादा नहीं थी तो ये इन birds ने आपके trees पे रहना start कर दिया और वहां पे इंसेक्ट्स को खाना स्टार्ट कर दिया. सो इनकी बीक भी जो है अकॉर्डिंगली चेंज हुई है. देख रहे हैं आप दोनों की बीक में बहुत फर्क है. एंड द बीक दैट गेट चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द हैबिटेट और जो फूड वो ले रहे थे उसके अकॉर्डिंगली इनकी बीक भी जो है वो चेंज होगी. नेक्स्ट सम ऑफ द बर्ड्स दैट कट दे गेट चेंज्ड इनटू द वुड पिकर फिंच. ये वुड पिकर फिंच क्या है, इसी से ही इवॉल्व होने वाला जो आपका स्टेम बर्ड है इसी से इवॉल्व होने वाला एक फिंच है जो बाद में वुडपेकर की तरह ट्री के अंदर पोक करके जो है इंसेक्ट्स फीड करेगा. ठीक है,
है, तो इसकी जो बीक है वो भी काफी चेंज है। तो हमने जो इस तरह का जो बर्ड है उसको वुडपैकर फिंच बोल दिया। ऐसे ही आपका वेजिटेरियन ट्री फिंच है जो कि प्लांट्स जो है या उसके फ्रूट्स जो है खाएगा। इस तरह से एक बाबलो फिंच है। बहुत सारे ये आपके जो है वो फिंचेस हमें देखने को मिले। सो दिस इज अ कंपाइल्ड डायग्राम विच हैपन इवॉल्व फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर ऑफ साउथ अमेरिका विच वॉज सीन ऑन द मेन लैंड एंड इट वॉज अ सीड ईटिंग बर्ड हैविंग अ वेरी ब्रॉड बीक एंड फ्रॉम इट मैनी ऑफ द अदर बर्ड्स हैव बीन इवॉल्व विच लेटर ऑन बिकम डिफरेंट स्पीशीज। ठीक है, वो डिफरेंट स्पीशीज बन गए, नए नए स्पीशीज बन गए। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द अडाप्टिव रेडिएशन कि एक ऑर्गेनिज्म से कैसे अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो है वो बनते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट। जो भी चेंजेस उनमें देखने को मिले वो इन फिंचेस में जो थे वो डार्विन ने नोट किए। इट वॉज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ द अडाप्टिव रेडिएशन। तो कई बार इसके ऊपर भी जो है हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है बिकॉज दिस डायग्राम दिस एग्जाम्पल शोज वेरी क्लियरली दैट हाउ द इवोल्यूशन हैव टेकन प्लेस, दैट हाउ द डिफरेंट स्पीशीज हैव बीन इवॉल्व फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्ट्रल स्पीशीज। तो ये बेटा ये भी हमने कर लेना है। डायग्राम जो है आपकी बुक में यहाँ पे बुक्स में और ये मैनुअल में भी कुछ एक डायग्राम दिए, तो ये आपने डायग्राम ड्रॉ करने हैं और उसके ऊपर प्रॉपर नोट जो है वो आपने लिखना है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर प्रैक्टिकल्स, सो डू इट प्रॉपरली इन योर नोटबुक्स। थैंक यू।